क्या है यार तेरा, ना कोई फोन ना कोई SMS, ये सब क्या है? साथ में सिन्हा की मदर बात कर रही हूँ। ओ सॉरी आंटी, मेरा मतलब है कि सिन्हा कहाँ है? सब ठीक तो है ना? साथ में तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। ओके, जैसा आप चाहें आंटी। मुझे कहाँ आना? किसी भी ऐसी जगह पर जहां तुम आसानी से मिल सको। जाहिरी बात है, घर पर तो मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। मेरी बात सुन रहे हो ना? जी आंटी, आप जहाँ कहेंगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो कल शाम को हम मिलते हैं। जगह के बारे में मैं तुम्हें SMS कर दूंगी। ओके आंटी, ओके, थैंक यू। मैं एक माँ हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टी, प्लीज हेल्प मी। टी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बताएं तो सही क्या बात है, मैं ऐसे कैसे आपकी मदद कर सकता? पर भरोसा करो, ये सब कुछ मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। इतना मैं जानती हूँ, मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी और इज्जत दांव पर लगा दी है। अभी तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आए तो वो तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। मम्मा, थैंक यू। रोनी सूरत तो ठीक करो, उन्हें शक हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था वैसे ही किया है ना, उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं। एक दफा ये मेरे साथ पाकिस्तान चली जाए फिर देखता हूं कि नखरे कैसे करते। भाई आंसू बहाना बंद करो, देखो मैं उसका बाप हूं, उसका बुरा तो नहीं चाहूंगा ना। शाबाश, पूछो। तुम्हारी वालदा गलत नहीं है सर, वो एक माँ है, लेकिन एक बीवी। माँ होने के नाते गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं, कई बीवी की गलतियां। एक बात मानो। हाँ कहो। मानूंगी। तो जैसे तुम्हारी मामा कह रही हो कर, मैंने वादा किया कि वो संभाले। वो जो कह रही है वो मुमकिन नहीं है साहब, तुम्हें पता है कि वो क्या कह रही है? हाँ हाँ, वो मुझे सब बता चुकी है सर, सब बता चुकी है। और सच पूछो तो मुझे उन पर एतबार है, हमें उनकी मजबूरियों का भी ख्याल रखना चाहिए। देखो तुम इन लोगों के साथ पाकिस्तान जाओ और सबके सामने कह दो कि तुमने ये शादी नहीं करनी है, दैट्स इट, फिर वो खुद संभाल लेंगे। और अगर कुछ गलत हो गया
तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी सर। देखो सेना, अगर तुम्हारी वालदा की नियत में खोट होता तो वो मुझे यहां तुमसे मिलवाने का इतना बड़ा रिस्क ना लेती, समझी? तुम पाकिस्तान जाओ, वहां जाके मुझे खुशखबरी सुना। आज बाबा बहुत अरसे के बाद मेरे ख्वाब में आए। वो परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज तुमने एल्बम देखी है ना, इसलिए सबके चेहरे तुम्हारी नजरों के सामने है, इस वजह से। और कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मत फिक्र करो, सब ठीक है। क्या बात, परेशान लग रहा है, घर में सब ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ? चार दिन से इसे देखा नहीं है। किसे? अपनी नौकरानी को? वैसे एक बात तो तय है, तू तो पक्का चोरू का गुलाम बनकर आएगा। ऑफिसर, और वैसे इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। वो सुबह कहेगी तो मैं सुबह कहूँ, तो शाम कहेगी तो मैं शाम कहूँ, समझे? अगर वो तुम्हें ना मिल सकी तो कौन सा? अब मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा मजाक कभी मत करना, बहुत दर्द होता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को कभी जुदा ना करे। आमीन। वैसे इस खौफ से कुछ मैं भी वाकिफ हो चुका। वो कैसे? दरअसल मैंने तुझसे कुछ पाया था। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की मिली थी मुझे, जो पाकिस्तान से अपने शौहर की तलाश में आई। शौहर की तलाश? हाँ, तफसील में तुझे बाद में बताऊंगा, बल्कि मिलवाऊंगा भी। फिलहाल सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 6-7 दिन से वो मेरे साथ रह रही है,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से मेरे साथ। जितनी जल्दी हो सके उसे उसके असल मुकाम तक पहुंचा। जी रहो जब तक उसे मंजिल मिले तो रास्ता भटक चुका। कहाँ चले गए? तो अच्छा, आपकी तलाश में मैं इतनी दूर आ गई हूं, मेरे लिए ना सर, मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए यार। उनका क्या कसूर है? उन्हें किस बात की सजा दे रहे? मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ नहीं हूं तो वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। मैं हूं, मैंने आपको कहा है ना कि मेरे पास दूसरी चाबी है और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं। अब कुछ पता चला? नहीं, उसको तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने आपको प्लाजा का बता दिया है, इस घर के बारे में समझा दिया है। आप बाहर निकला करें, घूमा करें। मैं कहाँ जाऊं परदेश? जब आपका दिल घबराए आप बाहर चले जाए, कहीं भी, किसी भी दफरी मकाम पर, यूं ही सड़कों पर घूमती रहा करें। जब थक जाए तो टैक्सी वाले को एड्रेस दिखाएं और वो आपको घर छोड़ दे। क्या फायदा? मैं यही ठीक हूँ। आप को जैसे ही उनका पता चले आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आप पर मजीद। देखें, अगर आप ये समझ रही हैं कि आप मुझ पे बोझ हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि इस तरह बाहर निकलेंगी, घूमे फिरेंगी, शायद कहीं किसी मोड़ पे आपको आपका शॉर्ट मिल जाए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या? जी वो बस। देखें, पैसों की फिक्र बिल्कुल नहीं, जब आपके शॉर्ट मिल जाएं तो आप मेरे सारे पैसे लौटा दीजिए। अरे नहीं, आपके पहले ही मुझ पे बहुत एहसान आते हैं, मेरी वजह से आप घर भी कम आते हैं, लाउंज में सो जाते हैं। तो देखें, हमारा वैसे रिश्ता ना सही, लेकिन एक रिश्ता तो है, हम पाकिस्तानी तो हैं। जी, ये रिश्ता क्या कम है? आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको आती बातों में लगा दिया। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। आप भी खाए ना?
चुप हो नहीं है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ खाएं, लेकिन खाना तो खा सकते। अगर भूख होती तो मैं खा लेती। ठीक है, फिर मुझे भी भूख नहीं है। कांच की गलियां ना कोई आरज़ू ना ही गंजाम, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, हर कदम पर एक सफर है, किस कदर भागते क्यों जरा रही है। आज आपका फूड बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशबूदार। अरे इस खुशी में दिल चाहता है कि वो शहर वाली हसीना के दर्शन का जिसने मेरी नींदे उड़ा दी। मैंने तेरे को फोन करने का कहा था, बात हुई? बता रहे हैं फोन तो किया था उसको, लेकिन आजकल वो यहाँ नहीं, वो कराची गई हुई है। मैंने बता रहा था उसका भी बड़ा दिल कह रहा है आपसे मिलने को। एक दिन इंतजार करते हैं, कल चलेंगे। कल भुदार, कल तो आपको जो है ना वो क्या, कल तो भुदार, कल आपने जैनब बीबी के शादी का प्रोग्राम बनाया हुआ है ना। और अपनी खुशी को किसी की खुशी के लिए कुर्बान तो नहीं करना चाहिए। तो बता, फिर ऐसा करो कि जैनब बीबी की शादी का प्रोग्राम चंद रोज के लिए कैंसिल कर। ये चाय अब मैं जाऊं बता रहा। अभी तक क्यों जाग रही है? साईं, मेरी बेटी की खुशियां मुझे भीख में दे दो साईं। मांग जो मांगना है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मिलेगा तुझे, मांग। साईं, जैनब की शादी का इरादा तरक कर दो। ओ माई, दिलावर जब जबान देता है ना, पीछे नहीं हटता। लेकिन लेकिन साईं, ये भी तो अभी तुमने ही कहा है ना कि मैं जो मांगूंगी वो दोगे। ये भी तो दिलावर साईं का ही वादा है ना। दिलावर का वादा था, ठीक है, जाओ खुश हो जाओ, तेरी बेटी की शादी कैंसिल, खुश है? साईं, thank you.
कहा था ना कि मेरी लकीरें बहुत वाज़ हैं। तुमने ये भी कहा था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आएगी। सच कहता था पापा, मेरी किस्मत मुझे सिखा लिया है। देख पापा कहता था ना हाथ में बहुत पैसे है, बहुत अच्छा काम किया तुमने तो। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझ रहा था। सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसा काम चल रहा है भाई? सर फर्स्ट क्लास सर। सर रुबाब ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो उसे यूं ही समझ रहा था। खैर हमारा हीरो कहाँ है? सर वो अब तक आए नहीं है। 10 मिनट में ना आए तो पैकअप कर देना, हम किसी और को चांस देंगे। ओके सर। और बाब मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वेल डन केबी राव। एक्सक्यूज मी, आई लाइक सर। हेलो हेलो। हाँ असल में मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ आ जाएं, या मेरे दोस्त का एक प्रोडक्शन हाउस है, इस वक्त भी यहाँ शूटिंग चल रही है, तो आप अगर आना चाह रही हैं तो मैं एड्रेस समझा दूँ। ये दिल बन के मिलने की बात, प्लीज आप बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैंने सोचा अगर आप बोर हो रही हैं तो आपको यहीं बुला लूं। थैंक्स। ओके दाब। कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ, कुछ नहीं यार, वो लड़की नहीं है तो मैंने फोन किया था कि अगर पारी को तो आ जाए। हाँ बुला लो, इस बहाने वो शूट भी देख लेगी, मैंने यही कहा था उसको, मगर वो उसी मैटर में फंसी हुई है अपने शौहर की तलाश। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ आ गए आप। जी सर वो एडी साहब, मुझे लगता है कि आप हमारे साथ ज्यादा से चल नहीं सर। वो देखिए मैं सफाइयां सुनने के मूड में नहीं, बेसिकली मैं कमर्शियल्स बनाता हूँ, पर ये टोक्यो ड्रामा मेरे लिए बहुत मानी रखता है, जो उन लड़कियों पर है जो, खैर
آپ نے اسٹوری پڑھی ہے سر؟ وہ آپ جائیں پلیز، پہلے اسٹوری پڑھیں. عمران ان کو اسکرپٹ دے. ریلیکس یار. تیز بخار ہے، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ارے کچھ نہیں ہوا، تم خامخا پریشان ہو رہی ہو. میں خامخا پریشان نہیں ہو رہی ہوں، میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، نہ ٹھیک سے کھاتے ہو نہ سوتے ہو. اگر بابا کی اتنی یاد آ رہی ہے تو پاکستان کا چکر لگا کر آ جاؤ، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. اگر پاکستان جا کر اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہوتی نا، کب کا ہو کے آ چکا ہوتا. کم از کم اماں کے انتقال پتہ ضرور جاتا. ایک بات پوچھو، سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو. فاطمہ، کہیں فاطمہ تو تمہاری اس پریشانی کی وجہ نہیں ہے؟ تم عورتوں سے اللہ بچائے بھائی. 26 سال پہلے وہ مجھے مل رہی تھی، پر میں نے سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود تم سے شادی کی، اور تم ہو کے بس. میرا مطلب یہ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو. تو میرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے جو کچھ فاطمہ کے ساتھ ہوا، یہ بات تمہیں دکھی تو نہیں کر دیتی؟ مجھے اس غریب کی آنکھوں میں ٹھکرا جانے کا احساس نظر آتا، لیکن اس نے آج تک کبھی شکوا نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی اس کے ساتھ میری چند باتیں ہوئی، کیا پیو گے، کیا کھائیں گے، اماں بلا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب جب بھی پاکستان جانا، اس سے معافی ضرور مانگنا. میں بھی ملوں گی اس سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گی. تمہیں صرف لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گی، بلکہ معاف کر چکی ہوگی. او سایہ، رب آوے اماں. ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھ. پر یہ بات ایک بیٹی نہیں، ایک دوست پوچھنا چاہتا ہے. چل آج تو بھی پوچھ لے، تو بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے. یہ بات مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتی ہوگی، کیسے پتا؟ میں تیری ماں ہوں، تیرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیری آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. اکثر سنا ہے کہ جن سے محبت ہو ان کی آنکھیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں. تو پھر وہ آنکھیں پڑی کیوں نہیں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ چل جا، چائے بنا کر لا میرے لیے. اسی لیے کہا تھا نا ماں، ایک بیٹی نہیں ایک دو سوال پوچھ رہی ہے. تجھے اچھا نہیں لگا، مجھے معاف کر دے. زینب بیٹھے تھے. تو صرف آنکھوں کی بات کرتی ہے، میں تو وہ بھی جانتی تھی جو ہونے والا تھا.
लेकिन फिर भी मैं उस बंदे से नफरत नहीं कर सकी, उस वक्त भी नहीं और इतने साल गुजर जाने के बाद भी नहीं। वो याद आते हैं? याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया।